हेलो गाइस, चलिए जरा आज मैं आप लोगों को मैथ्स का ट्रिक बताता हूँ कि जिस भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लास्ट में 5 दिख रहा है, सबसे पहला जो काम है आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए जो कि 5 होता है। यहाँ पे 1 है, 1 के आगे क्या होता है, 2 होता है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आंसर। यानी यहाँ पे देखिए कि 5 है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 के आगे क्या होता है, 3, तो 3 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए 25 हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 के आगे क्या होता है, 4, 4 में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेम आपके पास यहाँ पे भी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 7 के आगे 8 होता है, 8 में 7 से मल्टीप्लिकेशन 56 हो गया आंसर। यानी जिस भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता हो, किसी भी नंबर के लास्ट में, या 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, सबसे पहले उसका स्क्वायर निकाल लीजिए और उसके फर्स्ट वाले नंबर का उसके अगले वाले से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ट्रिक अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और इसके आगे वाला जो है आप लोग खुद से ट्राई कीजिए।